नौ दिनों तक माँ दुर्गा की साधना के बाद आज वो वक्त आ गया है जब भावुक मन के साथ माँ की विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। आज जहाँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जाएगा, वहीं बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन भी होगा। आज रामलीला का मंचन का आखिरी दिन है। रामलीला में आज राम युद्ध में रावण का वध करेंगे, जिसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही मां की विदाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। बंगाल में प्रचलित रिवाज के मुताबिक आज महिलाएं मां दुर्गा की स्तुति करते हुए सिंदूर खेला करेंगी और इसके साथ ही मूर्तियों को विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाएगी। दो साल तक कोरोना महामारी के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकले और अब मौका मिला है तो आज पूरे देश में दशहरे की भव्य तैयारियां हो रही है। जगह जगह रावण के पुतलों की आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। कई जगहों पर तो पुतलों को स्टैंड पर लगा दिया गया है और आज शाम जैसे ही अंधेरा घिरेगा, पूरे समारोह के साथ रावण का दहन होगा। दिल्ली से लेकर मैसूर तक इस बार दशहरे को यादगार बनाने की तैयारी है। गुवाहाटी और पटना में तो इस बार दशहरे पर कुछ खास तैयारियां की गई। नवरात्र के आखिरी दिन महानवमी पर दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। क्या दिल्ली, क्या कलकत्ता, हर जगह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हालांकि दुर्गा पूजा का सबसे गाढ़ा रंग तो कोलकाता पर ही चढ़ता है। वहां हर तरफ पंडाल में धूम मची हुई थी और अब आज मां की विदाई की शुरुआत हो जाएगी। दोपहर बाद आरती के साथ ही प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। ये छह अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और गुवाहाटी की। पूरे देश भर में इस वक्त त्योहारों का मौसम है। कहीं दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हैं तो कहीं रामलीला का मंचन किया जा रहा है और आज रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के दहन के साथ इसका समापन हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।